इसके वजह से तो पूरा गुजरात बदनाम हुआ, ऐसे कह रहे गुजराती चोर है चोर है, तो किसकी मेहरबानी मोदी की? अभी मोदी जी के वजह से बोल रहे हैं कि गुजराती चोर, गुजरात चोर है, गुजराती चोर है, तो गुजरात मोदी के वजह से हम गुजराती चोर बनेंगे, हम गुजराती चोर बनेंगे, चोर करे चोरी डकैती हेरा फेरी ठगबाजी, और हम सौकर बदनाम हुआ, हम सौकर मोदी के गाँव के सारे चोर है, मोदी मेरे गाँव का नहीं है। गुजरात में 5 रुपए का साबुन मिलता था, ये साबुन आज ये साबुन 10 रुपए का होगा, दिल्ली के मोदी के राज में 10 रुपए का होगा, ये सोनिया गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये साबुन 150 ग्राम का, ये 150 ग्राम का साबुन, 200 ग्राम का ये साबुन 200 का और ये 150 ग्राम, आज मोदी के राज में उसको साबुन से एक बार ना ले बात खत्म, कैसे एले मोदी ने तुम कहते अच्छा काम करा, अच्छा काम करा किसको करा तूने अच्छा काम? गुजरात से मोदी के कलेश से मारे भागा है दिल्ली, यहाँ गुजरात से मोदी के कलेश से, हाँ मोदी के कलेश से गुजरात के अंदर हर जगह पे कलेश कराने वाला मोदी, मोदी अमित शाह और अडानी अंबानी, मेरा देश बर्बाद करने वाला भी मोदी अडानी अंबानी, और मेरे गुजरात बर्बाद करने वाला मोदी अमित शाह और अडानी अंबानी। अरे ये मुसलमान है तेरे घर में घुस जाएगा लड़की ले जाएगा, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, आपस में आरोप डाल के लड़ाई करा के एक दूसरे को हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके ये वोट लेने का ठगने की धंधा बताए, ये मुसलमान तेरी लड़की ले जाएगा, तेरी औरत को ले जाएगा, ऐसे झूठा झूठा बोल के जनता को भड़का के फिर भड़का के वोट लेता। ये मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जीरो है, कोई काम नहीं कर रहा है? जीरो है, कोई काम नहीं कर रहा मोदी, मोदी जी जीरो, हाँ बेफूक बनाता मोदी वो कैसे? ये तुम मीडिया वालों जान लो ना, तुम उत्तर जवाब क्यों नहीं लेते मोदी से कि मोदी ने क्या करा? आप भी तो ले सकते हैं ना, कहाँ से पूछते हैं आप जनता से पूछते तो आप भी मीडिया वालों तो तुम घर में घुस के जाते हैं, मोदी को जाके पूछा होगा कितनी नौकरी दी, कितने को कर्जा माफ करा, कितना किसान को पूरा करा, किसान के साथ क्या करा, जनता के साथ क्या करा, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री बना के क्या फायदा हुआ जनता को? आप पूछो ना, आप मीडिया वाले क्यों नहीं पूछते? हम जनता ही कहेंगे, हम जनता वोट भी देंगे, हम जनता को वो क्या कहते हैं डाकी भी बनाएंगे, जनता वोट भी ले, कहाँ वोट से प्रधानमंत्री भी बनते हैं मेरे वोट से, और हमको डाकी भी बनाएगा, हमको डाकी भी बनाएगा, हम डाकी बनने वाले में नहीं है, हम ईमानदार वोटिंग है दिल्ली की। केजरीवाल की गिरफ्तारी पे क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल को गिरफ्तार करना करा ये मोदी ने जानबूझ के केजरीवाल को फंसाया, किसने फंसाया? हरियाणा सरकार ने, हरियाणा ने उड्डा ने सिखाया, दारू आई हरियाणा के ठेके से, हरियाणा की फैक्ट्रियों से, ये हरियाणा किसके अंदर में है? मोदी के अंदर में है, बीजेपी के अंदर में है, और केजरीवाल को फंसाने वाला हरियाणा वाला खट्टर, खट्टर और खट्टर ने इसलिए इस्तीफा दे दिया, क्यों दिया भाई इस्तीफा? तूने चुनाव से पहले क्या चुनाव का किसान का बहाना बना के, किसान किसान के बहाने से किसान का बहाना मिला क्यों? का मेरे को भाई पता पड़ गया इसको केजरीवाल इसको खट्टर को के नाम, तो मैंने भी दलाली करी, दलाली तो इसने खट्टर ने भी करी, दलाली तो मोदी ने भी करी, ये तो उसने दिया दो डबल एक के साथ, फिर खट्टर ने दी केजरीवाल ने भेज दी। केजरीवाल घोटाला किए हैं 100 करोड़, घोटाला एक घोटाला नहीं है केजरीवाल का, घोटाला का घोटाला मास्टर ये अडानी अंबानी है, ये खट्टर है, ये मोदी है, और ये हरियाणा का जो जितने इसने डाकू है ना हरियाणा के जितने डाकू ये मवाली चोरों ये हरियाणा के जो पार रखा ना इसने उसके ऊपर झूठा झूठा केस बना केजरीवाल को। केजरीवाल बिल्कुल फ्रेश बंदा है, जो इसके जैसा दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की बात करें मैं पूरे वर्ल्ड की, दिल्ली के अंदर हमारे केजरीवाल जैसा कोई ईमानदार इसके जैसा सीएम नहीं मिलेगा दुनिया में दोबारा। बीजेपी वाले बोल रहे हैं बेईमान है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, दिल्ली को सहारा दिया तो केजरीवाल ने दिया, पढ़ाई लिखा तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने, पानी लाइट फ्री दिया तो केजरीवाल ने, बस का किराया दिया तो केजरीवाल ने, आज रोटी का रोजी रोजगार से लोग एक एक रुपये से तरफ से 100-100 रुपये से तरफ के लोगों, आज केजरीवाल की मेहरबानी से ये दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों लाके बच्चे पढ़ाए, बाहर के लोगों की दवा दारू करवा, इसका सीएम क्या कर रहा? योगी मोदी का सीएम क्या कर रहा? क्या कर रहा सीएम? ये चोर मोर सीएम है इसका, यूपी बिहार का सीएम चोर है, सारे दिल्ली में भेज दिया, दिल्ली के अंदर कितनी गंद फैला रखी बिहारियों ने, ये केजरीवाल ये योगी का बंदों ने यहाँ के सारी गदर बना रखी, गदर बना दी दिल्ली को क्या धर्मशाला बनाई योगी मोदी ने? धर्मशाला तो बोल रहे हैं कि हमारे काल में सब सुरक्षित है, कुछ भी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है, क्या सुरक्षा? अभी 24 घंटा तो लड़की और लड़का लेके घूमती रहती,
12 बजे तो 3-3 बजे मोदी जी का एक भी काम अच्छा नहीं है आपको? हमको एक भी काम नहीं, सारा काम इसको जीरो में मोदी का। आप कह रहे मोदी का, मोदी का कह रहा सिलेंडर दिया, सिलेंडर किसको सिलेंडर दिया, किसको सिलेंडर, किसका सिलेंडर दिया, किसको, कितने कितनी पड़ जाए दिल्ली में बताइए आप। 3 करोड़ 1.5 करोड़ जनता लोकल है और 1.5 करोड़ यूपी बिहार बंगाल झारखंड से लाके घुसा है, उसको उसने सिलेंडर दिया बाहर वाले को। दिल्ली वाले ने क्या, दिल्ली वाले ने सीएम बनाया क्या, बाहर वाले ने सीएम बना, दिल्ली वाले का पहला पूरा करे, दिल्ली वाले से वोट से जीता, दिल्ली का लोकल वोट से जीता मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री गुजरात का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना भाई, क्यों नहीं बना गुजरात का प्रधानमंत्री, जब दिल्ली वाले गुजरात के भी हैं, कोई प्रधानमंत्री ना है वो, अभी उसकी पलम पट्टी जाके देख ले गुजरात में जाके, गुजरात के गुजरात पे सीएम है, गुजरात की पोल पट्टी जाके देख ले कि मोदी ने क्या कर रखा। आप गुजरात से? हम गुजरात से, इसलिए गुजरात के अंदर एक काम नहीं करा, दारू गुजरात में उसने बेची, बच्चे सब कौन पढ़ रखा उसने, सारे लोगों को गरीब उसने बनाया, किसी की झुक्की झोपड़ी नहीं दी, किसी को सबको बाहर वाले को ला के मकानों लोगों की जमीन ठग के उसको वहाँ लोगों को मकान बना के वहाँ उसको नौकरी दे, वहाँ हिंदू मुस्लिम। और दूसरा दूसरा ये जो ये यादव, यादव लाके उमर दिल्ली के अंदर वो कमीशन बनाया, मोदी की कितनी औकात, तो उसने यादव बाहर से लाके उसने दिल्ली में गुजरात में कमीशन बनाया, वो कमीशन 24 घंटा दारू बेच रहा, रिश्वत खा रहा, एक एक घंटे से जाके 1-1 लाख रुपया लेता, क्यों उमर गुजरात के अंदर कोई सीएम, गुजरात के अंदर कोई कमीशन नहीं था, क्यों मोदी के, मोदी की धोखाधड़ी 420 का उसका बिजनेस बन गई, इसकी बिजनेस बन गई, इसको बिजनेस लोगों को बेफूक बना के बिजनेस बन गई, इसकी बेफूसी बेफूक बनाने का ये सपना भूल जाए। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? 15 लाख बीबी को भूल गया तो कौन बाल बच्चे को ध्यान देगा? मैं 15 लाख रुपया दूंगा, 15 लाख में कितना पैसा दिया, एक जनता का कितना बनता 5 साल की गारंटी वाला पता, 25,000 रुपया एक वोट का बनता, जब 5 साल में 15 लाख वसूल होता, कितने बंदे को खाते में पैसे डाला इसने मोदी ने, कितने डाला, और दूसरे को सरकारी नौकरी दी, उसको जो अनपढ़ थे उसको भी नौकरी दे दी, अपने बंदे को अपनी जात बरादरी देख के, जात बरादरी देख के बात सुन रुक जाना, जात बरादरी देख के अपने उसको नौकरी दे दी, उसको कभी हरियाणा के वाले को पकड़ ले, कभी पंडितों को पकड़ ले, कभी बिहारी को पकड़ ले, उसको नौकरी दी, तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे, दिल्ली वाले कोई पागल है ना, दिल्ली वाले के लिए करा क्या, दिल्ली वालों को सिलेंडर नहीं मिला, दिल्ली वालों को कुछ नहीं दिया। सुनिए आप गुजरात से यहाँ पर ये मतलब बेचने आई हैं? हम तो यहाँ ही रह रहे हैं, मेरे को तो 45-40 साल हो गए दिल्ली से, हाँ गुजरात से, मोदी के कलेश से मारे भागा है दिल्ली, यहाँ गुजरात से, मोदी के कलेश से, हाँ मोदी के कलेश से, गुजरात के अंदर हर जगह पे कलेश कराने वाला मोदी, मोदी अमित शाह और अडानी अंबानी, उम्र देश बर्बाद करने वाला भी मोदी अडानी अंबानी, और उम्र गुजरात बर्बाद करने वाला मोदी अमित शाह और अडानी अंबानी। देश का डंका विदेशों में बज रहा है, विदेशों में तारीफ हो रही है मोदी जी की, कौन कौन कर रहा, कौन बीजेपी वाले कर रहा, कौन बीजेपी वाला, इसकी मीटिंग में कोई जाता खाली वो मीटिंग वाले होता, ये खाली चोर चोर कट्ठे कट्ठे बटेरे बटेरे भाई है, ये मवाली मवाली कट्ठे 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 है, इसकी मीटिंग में कोई जनता नहीं जाती, इसकी इसकी दफ्तर में कोई नहीं जाता, खाली मीटिंग वाले आते हैं, ये 5 बंदा लेके आ गए, 10 लेके आ गए 20 लेके आ गए, खाली वो बीजेपी वाले होगा और कोई नहीं होगा, बाहर का बाहर कुछ होता तो उसका पता पड़ता तेरा पोल पट्टे का, कि तेरे अंदर कितनी पॉलिसी कितनी पोल पट्टा चलता, इसलिए जनता को बेवकूफ ना बना। गुजरात मॉडल जो बताया जाता है, गुजरात मॉडल है कि नहीं? गुजरात में 5 रुपये का साबुन मिलता था, ये साबुन आज ये साबुन 10 रुपये का होगा, दिल्ली के मोदी के राज्य में 10 रुपये का होगा, ये सोनिया गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये साबुन 150 ग्राम का, ये 150 ग्राम का साबुन, 200 ग्राम का ये साबुन 200 का और ये 150 ग्राम, आज मोदी के राज में उसको साबुन से एक बार ना लिया बात खत्म, कैसे एले मोदी ने, तुम कह रहे अच्छा काम करा, अच्छा काम करा किसको करा तूने, अच्छा काम किसको बता रहा भाई तू, लग रहा है 24 में मोदी जी आएंगे, 24 ना भाई, सपना भी ना देखे मोदी जी, सपना देखे तो खाली हो केजरीवाल देखेगा सपना, उसका सपना पूरा तो होगा और राहुल गांधी का सपना पूरा होगा, गठबंधन आएगी, मोदी का कोई कारण नहीं है दिल्ली के अंदर, तो क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पहले उसको गुजरात में जाके हिसाब दे दे उसको, इसके वजह से तो पूरा गुजरात बदनाम हुआ, ऐसे कह रहे गुजराती चोर है चोर है, तो किसकी मेहरबानी, मोदी की, अमित शाह की जी के वजह से बोल रहे हैं कि गुजराती चोर, गुजरात चोर है, गुजराती चोर है, तो गुजरात मोदी के वजह से हम गुजराती चोर बनेंगे, हम गुजराती चोर बनेंगे, चोर करे चोरी डकैती हेरा फेरी ठगबाजी, और हम सौकर बदनाम हुए, हम सौकर, मोदी के गांव के सारे चोर है, मोदी मेरे गांव का नहीं है, मोदी है राजकोट का, पोरबंदर वीरवर भावनगर काठियावाड़ का मोदी है,
और गुजरात का तो खाली अमित शाह है, पर अमित शाह की तानाशाही बहुत चलती गुजरात में, उसका उसका तानाशाही का ही काम है, उसका हीरोइन कोकीन का व्यापारी है वो दुनिया को बेफुक बनाता और नशा गंभीर आरोप लगा रही है। बहुत गंभीर नहीं, जितनी हीरोइन कोकीन पकड़ाई किसकी है, किसकी है बताओ नाम, बताओ नाम किसकी हीरोइन कोकीन सप्लाई होती है, किसकी होती है? ये पाकिस्तान से आती, बंदरगाह से आती, किसका बंदरगाह चल रहा 28 साल से, बंदरगाह किसका चल रहा? अडानी का चल रहा, अडानी का चल रहा, तो हीरोइन कोकीन वहां से आ रही कि नहीं आ रही? 28 साल से किसका बंदरगाह चल रहा? हीरोइन कोकीन कहां से आ रही? बंदरगाह से आ रही, और बंदरगाह से सप्लाई कौन करा? अमित शाह और मोदी। समस्या बता रही है, फिर भी गुजरात में बीजेपी क्यों आ जाती है? गुजराती को धमकी देता ना, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। अरे ये मुसलमान है, तेरे घर में घुस जाके लड़की ले जाएगा, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, आपस में आरोप डाल के लड़ाई करा के एक दूसरे को हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा के ये वोट लेने के ठगने की धंधा बताए। ये मुसलमान तेरी लड़की ले जाएगा, तेरी औरत को ले जाएगा, ऐसे झूठा झूठा बोल के जनता को भड़का के फिर भड़का के वोट लेता ये बेफूक बना के। कोई उम्र हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है, उम्र हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है, ये खाली। तो मोदी जी का कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगा? हमको एक भी काम अच्छा नहीं, उम्र गुजरात में इसने कोई काम नहीं करा, दिल्ली में भी कोई काम नहीं करा। गुजरात मॉडल चमक रहा है पूरे दुनिया में। अच्छा कौन से चमक रहा? जो पुराना गांधीनगर वही का वही है, गांधीनगर पुराना वही का वही है। गांधीनगर में गटर नहीं बनाई, एक फुटपाथ नहीं बनाई, रोड नहीं चमकाया। कौन सा गांधीनगर कौन से टाइम पे बना था? इंदिरा गांधी के टाइम पे बना था, जवाहरलाल के टाइम में बना था। वो गांधीनगर जैसा है ऐसा के ऐसा ही है, आज तक गांधीनगर नहीं बना, साफ सफाई में नहीं बना। खुद गुजरात में भी कोई सफर है, गुजरात में घर घर में गटर गंध मारती है, घर घर में गटर गंध मारती, और घर घर में दारू बिकता है, एक घर दो घर छोड़ के गली एक गली छोड़ के दारू बिकता, पोटली वाला दारू। ये किसका है? ये अडानी अंबानी का है कि कहते, ये वहाँ का सीएम का है, गुजरात का जो सीएम है ना, जो सीएम होगा पटेल, वो पटेल बिकता दारू, और इसका ये पटेल बिकवा रहा। और दूसरा एक बात, ये जो यादव है ओ हफ्ता खाता गुजरात का, तो मोदी कहाँ से सीएम लाया? उसका वो लाया ये एसडीएम ओ कमीशन, क्यों यादव क्यों लाया भाई? मेरे गुजरात में घने लोग पढ़े लिखे थे, ये यादव क्या, ये चोर मोर मवाली, जैसे चोर मोर मोदी है ना, उसका उसका पटेल, इसका पटेल भी चोर मोर है, और इसका यादव भी बना के बैठा ना उसने, गुजरात की खिचड़ी बना दी उसने। गुजरात जाके पहले मेरे गुजरात से गलती मान ले, मेरे गुजरात से गलती मान ले मोदी को और अमित शाह को, कि मेरे गुजरात जैसा था ना ऐसा चमका दे। सारे गुजराती को अनपढ़ रखा, सारे बच्चे को मेरे गुजरात के अंदर किसी को नौकरी नहीं दी, किसी को काम धंधा नहीं दिया, किसी को मकान नहीं दिया, और जो मकान दिया ना वहाँ गटर नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, जो छोटा मोटा एक कमरे का डेढ़ कमरे का मकान दिया छोटा छोटा, उसके अंदर कोई पानी नहीं, कोई लाइट नहीं, उसके अंदर पैसा खर्चा था।